हेलो दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं पाटुंडा। पाटुंडा के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए हम पाटुंडा की तरफ जा रहे हैं। और आप इस ब्लॉग में बुरहानपुर की हसीन वादियां देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारों का मुआयना कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें। शहर की चकाचौंध से परेशान होने के बाद जब किसी गांव की तरफ जाओ तो दिल को बड़ा सुकून को देखने, उसी सुकून की तलाश में आज हम पाटुंडा में हाजिर हैं। और आप हमारे पीछे गांव का व्यू देख सकते हैं। ये हमारे मुल्क की, हमारे शहर की तहजीब रही है और बहुत हमारे शहर की खूबसूरती इसी इन्हीं गाँव में बसी है, जो हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि हमारा जो मुल्क है सरसब्ज सादाब है। बुरहानपुर की खसूसियात में से एक खसूसियात ये भी है कि यहाँ हर चंद कदमों के बाद हमें झरने, नहर, जंगलात और हसीन वादियाँ देखने को मिल जाती है। तो हम बुरहानपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और ये पाटुंडा का बहुत शॉर्ट रास्ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं और पाटुंडा का टूर मुकम्मल हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आपने इस ब्लॉग में हमारे यहाँ बुरहानपुर के खेत और यहाँ की छोटी छोटी नहरें मुलाहिजा की हैं। तो आप इसी तरह से हमारे ब्लॉग में बने रहे ताकि आपको हम रोज़ाना नई नई जगह की सैर कराते रहे। तो अभी तो फ़िलहाल हम बुरहानपुर के लिए वापस जा रहे हैं। अब मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।